अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। या भिखाजी कामा कौन थी? ये मैं बता सकता हूँ। आपको ये पता है कि सबसे पहले तिरंगा किन्होंने फहराया था? भारत देश में सबसे पहले झंडा किन्होंने फहराया था? 15 अगस्त को लेकर लोगों के क्या क्या रिएक्शन है, तो आइए चलते हैं। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? आजादी के तौर पर हम लोग इस दिन, हमारा देश आजाद हुआ आजाद था, आजाद हुआ था। ओके, और ये बताइए कि लाल किले पे सबसे पहले झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। वाओ, नाइस। चलिए आपके पास, आप कुछ कहना चाहेंगे 15 अगस्त क्यों मनाया जाता पूछे, है? 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है सर? आजादी के लिए। आजादी के लिए सर, 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या फर्क होता है? 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था जी। ओके, करेक्ट। और 15 अगस्त के दिन आजादी मिली थी। 15 अगस्त देश आजाद हुआ था। बहुत बढ़िया। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी भी मतलब ये है कि फौजियों का, मतलब देश का वो है, अपना देश के ऊपर मनाई जाती है। अच्छा, चलिए थोड़ा बिलो, मतलब थोड़ा सा सवाल ऐसा, जवाब थोड़ा अटपटा हो गया, एग्जैक्ट आंसर नहीं आया। बट 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या फर्क होता है? 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस होता है, 15 अगस्त में झंडे का होता है, और क्या। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि जब हमारा देश कौन से साल में आजाद हुआ था? 47 में, क्योंकि 15 अगस्त के दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। और ये बताइए कि हमारे जो देश के, जो देश जब हमारा आजाद हुआ था, उस समय कितने ऐसे थे नेशनल हीरोज जिनको कह सकते, जिनका आजादी में बहुत बड़ा योगदान था? किन किन लोगों का नाम आप लेना चाहेंगे, कितने लोग, और या फिर कितने लोगों को? हम लोग तो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन काफी योगदान, सबसे ज्यादा योगदान सुभाष चंद्र बोस का रहा था। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चारों तरफ झंडे लगे हुए हैं। हाँ, देख रहे हैं, लगे हुए हैं, राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है हर तरफ। तो सर ये बताइए, ये क्यों लगाया गया है? ये देश आजाद हुआ था, तिरंगा को हम लोग मानते हैं, देश की आजादी के समय हम लोग तिरंगे से सब कुछ किए, इसलिए हम लोग तिरंगा को मानते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप, क्या नाम है आपका? कोमल। नाइस नेम। अच्छा, ये बताइए कोमल की 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? हमें आजादी मिली थी। बिल्कुल सही जवाब, आजाद हुआ था। 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या फर्क होता है? बस ये जाएगा ना। क्या फर्क होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी में? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। ओके, एंड डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन 15th ऑफ अगस्त एंड रिपब्लिक डे? डू यू नो? शी नोस, शी नोस। ओके, अच्छा ये बताइए मैम कि लाल किले पे सबसे पहले झंडा कौन फहराता है? प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट। कितने बजे फहराते हैं, कुछ समय पता है आपको, कितने बजे तक वो राष्ट्रीय ध्वज फहरा देते हैं? ओके, 10 बजे। ठीक है मैम, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंस तिरंगे के कपड़े कलर में आप लिपटी हुई हैं, और हम आज सौभाग्य है कि हम इसी बारे में आज बात भी करने निकले हैं। तो मैम आपसे पूछ जानना चाहेंगे कि मैम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, और मैं स्कूल में टीचर हूँ, इसलिए मैंने आज इस वेशभूषा को धारण किया है, और बच्चों को भी हमने यही सिखाया और हम यही सिखाते हैं कि आज के दिन आप ऐसी एक्टिविटी करो, ऐसी ड्रेस पहनो जिससे हमारे देश में और सब जगह इस चीज़ की जागरूकता जागे। बिकॉज इस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी एंड या ठीक है। हमारा देश कौन से साल में आज़ाद हुआ था? 1947। बिल्कुल सही जवाब। नहीं नहीं, बिल्कुल सही जवाब। ये बताइए कि लाल किले पे सबसे पहले झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही। सर आप बताइए कि आप देख रहे हो चारों तरफ झंडे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो सर ये बताइए कि ये झंडे क्यों लगाए गए इतने सारे? ये 15 अगस्त के लिए लगाए गए, देश हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। हाँ, और इस बार हम कौन सी आज़ादी का कौन सा साल मनाने जा रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और सारे सवालों के जवाब भी सही सही दिए आप। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। लाल किले पे सबसे पहले झंडा कौन फहराता है, या फिर लाल किले पे सबसे पहले नहीं, लाल किले पे झंडा कौन फहराता है? पीएम नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही जवाब। ये बताइए लाल किले पे झंडा कितने बजे फहराया जाता है? थोड़ा कोशिश करिए, क्या पता सही जवाब निकल जाए। आप गेस करिए कि सुबह 9 से 10 के बीच। 10 बजे, सो क्लोज।
ओके ये बताइए कि आप जैसे आप लोग स्कूल स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते होंगे कि देश के आज़ादी के वक्त ऐसे कितने नेशनल हीरोज थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी थी आज़ादी दिलाने के लिए, तो आपको क्या लगता है उसमें से आप किससे सब ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और किन किन लोगों के नाम आप लेना चाहेंगे? भगत सिंह, बी आर अम्बेडकर और बहुत हैं, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, और आप उन सब में से आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर किससे होते हैं? भगत सिंह से। और आप सर, आप किससे सब ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? मैं भगत सिंह से। भगत सिंह से। आप? भगत सिंह से। साहिल ये बताइए कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है हमारा देश आज़ाद हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। आपको क्या ये पता है कि लाल किले पे झंडा कौन फहराता है? लाल किले पे तो श्री नरेंद्र मोदी जी लहराते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। So Azwar, do you know why we are celebrating 15th of August? Of course, it is our Independence Day on 15th of August. Okay, very nice. And do you know the difference between 26th of January and 15th of August? Of course, yeah. 15th of August is celebrated because we got independence on that day, and 26th of January is about when our constitution officially came to existence. Wow, thank you so much, Azwar. Actually, it was a perfect answer. Bharat ka Swatantrata Divas hai, aur हमें 75 साल हो गए हैं अभी इंडिपेंडेंस को, सो इट्स अ गुड इवेंट, अच्छा रहता है, ऑल ऑफ अस हम सब मिलजुल कर साथ मनाते हैं, सो इट्स अ सिग्निफिकेंट डे फॉर ऑल इंडियंस ऑफ कोर्स। सर ये बताइए कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? 19 आज़ादी मिली है हमें उस दिन, 1947 करेक्ट, या तो हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली। ये जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था? I don't know, maybe महात्मा गांधी। नहीं, आपको सर क्या ये पता भिखाजी कामा कौन थे? भिखाजी कामा was a revolutionary woman. I think she also was one of the lady who fought for the freedom of our country. तो actually वही थी जिन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया था। एंड एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता होता उनके बारे में, बट आपको बहुत कुछ पता है उनके बारे में, ये बहुत अच्छी बात है। ओके सर ये बताइए सबसे पहले क्या नाम है आपका? शेखर। शेखर, शेखर ये बताइए कि भिखाजी कामा कौन थी? भिखाजी कामा वॉज अ फ्रीडम फाइटर जिन्होंने आई थिंक वेपन्स की अरेंजमेंट करी थी फॉर आई थिंक सावरकर के लिए, और उससे पहले भी आई थिंक शी वॉज इन्वॉल्व थ्रू आउट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, आई रिमेंबर दैट, यस। वेरी नाइस। ओके शेखर, क्या आपको ये पता है कि सबसे पहले तिरंगा किन्होंने फहराया था? नो, आई डोंट नो दैट। अभी अभी आपने जिनका नाम लिया जी। ओके मैम, लाल किले पे झंडा कौन फहराता है? प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट। ओके और मैम, वो क्या समय होता है? रिपब्लिक डे आई गेस। समय एज इन टाइम, टाइम लाइक फॉर इंडिपेंडेंस डे। हाँ मैम, इंडिपेंडेंस डे के दिन जब झंडा राष्ट्रपति जी फहराते हैं तो वो मतलब समय क्या समय हो रहा होता है उस वक्त? मॉर्निंग मस्ट बी टाइम, आई डोंट नो, मॉर्निंग। ओके ओके, चलो वेरी नाइस। 10 बजे करीब। ओके अच्छा सर ये बताइए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या फ़र्क होता है? 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है एंड वो रिपब्लिक डे है। 15 अगस्त को आई थिंक जब हम आज़ाद हुए थे, एंड 26 जनवरी इज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, संविधान लागू हुआ था। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। सॉरी, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी को उस दिन मतलब वो संविधान बनाया गया था देश के लिए। जी बिल्कुल सही बात। अच्छा ये बताइए मैम आपकी लाल किले पे झंडा कौन फहराता है? सही जवाब। और क्या आपको ये पता है कि टाइम क्या होता होगा उस टाइम पे जिस समय वो झंडा फहराते होंगे? मॉर्निंग का टाइम 7 बजे शायद। सो क्लोज। जी चलिए, सो क्लोज। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को ये पता है कि भिखाजी कामा कौन थे? किसी को भी? भारत देश में सबसे पहले झंडा किन्होंने फहराया था? गांधी जी ने। नहीं, एनी गेसेस? कुछ गेस करना चाहेंगे आप लोग? भिखाजी कामा, उन्होंने ही फहराया था। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत थैंक यू। तो देखा आपने हमारे भारत देश की जनता का रिएक्शन 15 अगस्त को लेकर, कुछ के पॉइंट ऑफ व्यूज भी जाने और कुछ के फनी रिएक्शंस भी देखे हमने। तो ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं प्रिया कुमार, दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।